सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मीडिया शुरू से हमारा एक स्रोत रहा है जन जन तक बात पहुँचाने के लिए। हमारा जैसे कि आज यहाँ पे एक नहीं तीन इवेंट्स थे, एक डिबेट कंपटीशन था, एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन था और एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन था। देखो जितना अगर हम लोग अवेयर होंगे कि हम प्लास्टिक ना यूज़ करें, देखो हम तो ये कहते हैं कि पीछे से ही बंद होने चाहिए, बट होता नहीं है ऐसा, तो हमें खुद ही ऐसा करना चाहिए। क्यों ना हम अपने जो घर से सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, कुछ सामान लेने जा रहे हैं, तो अपने घर से बैग कैरी करें, या फिर अगर दही वगैरह लेने जा रहे हैं तो आप बर्तन कैरी करें। तो जितना हो सके मैं तो आपके माध्यम से ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि प्लास्टिक का यूज़ कम करें, इससे हम मनुष्य ही नहीं जीव जंतुओं को भी इससे हानि पहुँच रही है। ये हमारा एक वीक चल रहा है, 31st से स्टार्ट हो के 5 जून तक चलेगा ये। इसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये हमें ऊपर से आ रहा है कि एनसीसी की तरफ से, एनसीसी बच्चों को ये अवेयर करवाना है, क्योंकि एनसीसी कैडेट ऐसे हैं कि जी हर जगह इनकी पार्टिसिपेशन होती है, तो इनका यही हमारा यही मोटो है कि हर को प्लास्टिक से हमें बचाना ही पड़ेगा। जो पॉलीथीन है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, वो हमारे लिए नहीं, जो पशु हैं ये भी खाते हैं, जब हम उनमें कूड़े में डाल के फेंक देते हैं तो वो जो गायें खाती हैं उनको काफ़ी मतलब हार्म होती हैं, और हमारे लिए भी वो, कि जब हम उनका दूध भी पियेंगे वो भी हमारे लिए साइड इफ़ेक्ट देता है। इसलिए हम यही सोचें जो पीछे से फैक्ट्रीज हैं उनको बंद क्यों नहीं करवा रही गवर्नमेंट, उनको बंद करवाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पॉलीथीन है वो ऑटोमेटिकली प्लास्टिक बंद हो जाएगा ना, क्योंकि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है हम तो उसको यूज़ करेंगे, हमें क्या पता पीछे से क्या आ रहा है। इसलिए हमें ये पूरी ये क्ली हमें वो अकेले नहीं, हमें एक टीम वर्क है, ये घर से ही शुरू करेंगे और स्कूल्स में कॉलेज में जी हमें अवेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि एक मीडिया के माध्यम से भी ये बात पहुंचती आगे, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि हर बात को फैलाती है। तो हम यही चाहते हैं कि मैं मीडिया का थैंक्स करती हूँ जिन्होंने आके हमारा सहयोग दिया, और हम अवेयरनेस करेंगे कि प्लास्टिक को बंद किया जाए और एनवायरनमेंट को अपना अच्छा बनाए, प्रदूषण भी खत्म हो जाएगा, जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो प्रदूषण और हो जाता है, और हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, इसमें हमारा ट्री प्लांटेशन हो जाएगा। हम एक रैली निकाल रहे हैं, हम इसमें नुक्कड़ नाटक करेंगे, और आज हमने पोस्टर मेकिंग किया, डिबेट कंपटीशन हुआ, और ऐसे राइटिंग हुआ, इसमें हमने बच्चों की पोजीशंस निकाल ली हैं, 1st, 2nd, 3rd पोजीशन आई हैं, और बच्चे को लगा कि हम कुछ कर रहे हैं, और देश के लिए भी जो हमारा यूथ जो है यही आगे मैसेज पहुंचाएगा। थैंक यू, बस मैं इतना ही कहती हूँ। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम कैडेट दीपशिखा सुदन है। आज यहाँ पे हम 2JK गर्ल्स बटालियन की कैडेट्स यहाँ GCW परेड ग्राउंड में अपने कॉलेज में आज हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था जो कि था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर। उसके ऊपर आज हमारा टॉपिक था कि हाउ टू मेक इंडिया प्लास्टिक फ्री। सो आज हमने एक इवेंट कंडक्ट किया जिसके अंदर एसे राइटिंग, डिबेट कंपटीशन एंड पोस्टर मेकिंग था। उन सब में बच्चों ने बहुत ही एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट किया, और आज हम यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं अपने इस इवेंट के द्वारा कि हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना है, बिकॉज़ वो हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। और मैं यही कहना चाहूँगी सबको कि सबको प्लास्टिक का यूज़ कम करना है। गवर्नमेंट तो स्टेप्स उठा रही है, और साथ में जब लोग भी स्टेप्स उठाएंगे इसके खिलाफ तो ये ज़रूर एक दिन बंद हो जाएगा। जय हिंद एवरीवन, आई एम कैडेट संजना फ्रॉम GCW परेड। आज हमारे कॉलेज में जो है अवेयरनेस फैलाएगी कि हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, जिसमें 3 कैटेगरीज में आज डिवाइड किया गया था, डिबेट कंपटीशन, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन एंड एसे राइटिंग, जिसमें बच्चों ने जो है हम सभी कैडेट्स ने अपना पार्टिसिपेशन लिया, और उसमें जो है हमने बताया कि कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करना है और अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करना है। हम यूथ हैं और ये कहना चाहूँगी कि यूथ एक मेन पॉइंट है जो कि इस अवेयरनेस को क्रिएट कर सकता है और प्लास्टिक का यूज़ कम से कम कर सकता है, और अवेयरनेस इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, जिससे जो है एनवायरनमेंट साफ़ रहे, और जो भी गर्मी है अभी तो सब जानते हैं कि उस वजह से भी जो है एनवायरनमेंट में काफ़ी असर पड़ता है, तो जस्ट इससे अवेयर कि प्लास्टिक का यूज़ कम करें और अपनी हेल्थ पे और जो भी हमारे आसपास जो कि इन्वायरमेंट है, जो भी पशु पक्षी हैं, जो भी प्राणी हैं, उन सबका ध्यान रखते हुए प्लास्टिक का कम यूज़ करें। थैंक यू।